अब बच्चों लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस, ठीक है। तो देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो देखो जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फॉस्फोरस तो बहुत सॉलिड होता है ना। अब सॉलिड होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा होगा। एन टू इज हाईली रिएक्टिव वाइल पी फोर इज इनर्ट, ये भी गलत है बच्चों, क्योंकि एन टू जो होता है वो तो अनरिएक्टिव होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन कैटेनेशन कभी नहीं दिखाता। तो इसमें एक ही पॉइंट ट्रू था बच्चों, वो था हमारा डी, ठीक है। बिल्कुल तो डी ऑप्शन बच्चों इसमें हो जाएगा कि फर्स्ट का डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मतलब देखो, मतलब इसमें ना हम ये देख सकते हैं एक तरह से कि ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, पैटर्न बिल्कुल यही होगा। और हो सकता है कि ऐसे ही पी ब्लॉक का क्वेश्चन भी आए, हो सकता है एक दो इसमें से आ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी भी जैसे कई स्कूल्स में पढ़ाई लेट शुरू हुई और जैसा भी सिचुएशंस रही गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो अभी भी सैंपल पेपर में से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फॉलोइंग इज ए नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। तो देखो बच्चों, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट की अगर बात करें तो नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो फ्रेंकल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रेंकल स्टोशियोमेट्रिक है, शॉर्ट की भी जो है वो स्टोशियोमेट्रिक है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो आता है ना, वो नॉन स्टोशियोमेट्रिक में आता है। आप अगर बुक खोलोगे ना, तो बुक में नॉन स्टोशियोमेट्रिक में आएगा मेटल, क्योंकि देखो इसमें नाम से पता लग रहा है ना, एक चीज की कमी। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट वो होता है बेटा जिसमें कटायन या अनायन का जो रेशियो है ना, वो चेंज हो जाता है। और उसके बाद बच्चों, क्वेश्चन नंबर थ्री मैंने कितनी ही बार जो है ना वो देखा है कि, और इस तरह का एक क्वेश्चन हम जरूर एक्सपेक्ट करेंगे बेटा, जिसके अंदर इस तरह का एक क्वेश्चन हम जरूर एक्सपेक्ट करेंगे बच्चों, जिसके अंदर जो है वो बात होगी एक लॉ आपको दे रखा होगा। मेरे को पूरी उम्मीद है कि अब जैसे पहले जब पेपर आता था सब्जेक्टिव, तो उसमें आपको लॉ स्टेट करने के लिए आता था, लेकिन अभी भी उनको लॉ पूछना है ना, तो इस तरह का एक क्वेश्चन मेरे को उम्मीद लगती है। पार्शियल वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है ना वॉलेटाइल कंपोनेंट, तो इसका मतलब बच्चों ये जो है वो राउट्स लॉ ही होगा। अगर यहां पर गैस की कोई बात होती तो वो हेनरी लॉ बन जाता। क्वेश्चन नंबर चौथा कहते हैं, पिंक कलर ऑफ LiCl क्रिस्टल इज ड्यू टू, शॉटकी डिफेक्ट में कोई कलर नहीं आता, फ्रेंकल डिफेक्ट में कोई कलर नहीं आता, मेटल डेफिशिएंसी में कोई कलर नहीं आता। आंसर इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसको हम एफ सेंटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन फिफ्थ में कहते हैं कि कौन से आइसोमर का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो देखो जी, सीधी सी बात यह है कि 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि सिमिट्रिकल बनेगा। देखो ऐसे 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन क्योंकि सिमिट्रिकल बनेगा बेटा, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट होगा। सिमिट्रिकल ज्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो देखो जी, कौन कौन से रिएक्शन जो है वो ओपन चेन से जो है वो नहीं एक्सप्लेन हो सकते, ठीक है। तो देखो अब ये तो रिएक्शन ग्लूकोज दिखाता है, ये रिएक्शन भी ग्लूकोज दिखाता है, ये भी एक फैक्ट सही है। फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट विद 2,4-DNP डेरिवेटिव जो है ना, वो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाता, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, रिएक्शंस की बात हो रही है। तो मैं इसमें डालूंगा बच्चों, क्योंकि एडिशन प्रोडक्ट जो है ना 2,4-DNP रिएक्शन ग्लूकोज करता नहीं है, तो इसलिए मैं इस स्टेटमेंट को मैं लूंगा बी, ठीक है। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पर आ जाते हैं बेटा, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस होता है बेटा ये, RX+RONA गिव्स ROR-, ठीक है ना, ये विलियमसन सिंथेसिस होता है बेटा। इसमें ना दोनों जो 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 ये वाला आर है ना, ये बल्कि नहीं होना चाहिए, मैंने कई बार ही बताया हुआ है, तो इसके लिए बच्चों लेंगे बल्कि नहीं होना चाहिए, तो क्लियरली पता लग रहा है। वैसे भी बच्चों, डाई मिथाइल ईथर मतलब कैसा ईथर हुआ, डाई मिथाइल ईथर मतलब इस तरह का हुआ ना, CH3 OCH3, तो ये कैसा ईथर है, बड़ा सिंपल सा ईथर है, सिंपल प्राइमरी ईथर है। तो ऑब्वियसली बच्चों वो SN1 थोड़ा करेगा, वो क्या करेगा, SN2 करेगा ना, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन था ना ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। क्वेश्चन नंबर एट पर आ जाते हैं, क्लोरीन वाटर लूजेस इट्स येलो कलर ऑन स्टैंडिंग, ठीक है। क्लोरीन को अगर आप वाटर में मिक्स करेंगे तो दो चीजें बनती हैं बेटा, एक बनता है HCl और एक बनता है HOCl, रिएक्शन भी बैलेंस है। तो
Cl2 + वाटर गिव्स HCl + HOCl, तो क्लियरली बच्चों इसका आंसर जो है आपके सामने क्या नजर आता है, बी नजर आता है। क्लोरीन में जब वाटर ऐड करते हैं तो बनता है HCl + HOCl। रियली रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन से ये पता लग रहा है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें पूछने के ज्यादा चांसेस हैं। मतलब डिफेक्ट में से एक क्वेश्चन आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरिंग्स में से क्वेश्चन आएगा, ग्लूकोज के रिएक्शंस में से क्वेश्चन आएगा, नेम रिएक्शन जैसे कि विलियमसन सिंथेसिस है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 9th मेरा फेवरेट है, जिसमें कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू अल्कीन बाय हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड द इनिशिएशन स्टेप। 10 बार बच्चों को बताया होगा कि पहला स्टेप हमेशा हर मैकेनिज्म में प्रोटोनेशन होता है। एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं बच्चों, आइसोट्रॉपिक। और क्वेश्चन नंबर 11 में सैलिसाइल अल्डिहाइड किससे बनता है, ये मैंने ना कल कराया था बच्चों को। सैलिसाइल अल्डिहाइड रिमर-टीमर रिएक्शन से बनता है, कॉल्ब से नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 12, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल दो। वाटर है, गैस है, तो ऑब्वियसली क्या बचता है बच्चों, 22 कैरेट गोल्ड बचता है। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर हायर, एल्कोहल में होती है एच बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 14, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, वो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होना तो वाटर का चाहिए था, लेकिन क्योंकि वाटर एच बॉन्डिंग बनाता है डियर स्टूडेंट्स, तो आंसर हो जाएगा क्या, H2S। ठीक है, उसके बाद बच्चों को कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो H2TE का तो बहुत ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। देखो जी ऐसा है, फाइबरस प्रोटीन वाटर में डिसॉल्व नहीं होते बेटा, और एल्ब्यूमिन जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल है, ना कि फाइबरस प्रोटीन का। और पीएच जो है आगे लिखा है, इन फाइबरस प्रोटीन द स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय एच बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये भी ठीक है। पीएच डज नॉट इफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, द स्ट्रक्चर इज स्टेबल। देखो ये तो ठीक है, फाइबरस के अंदर होते तो है, क्योंकि फाइबरस प्रोटीन जो है ना ये टर्शरी प्रोटीन है। ठीक है, पीएच डज नॉट इफेक्ट नहीं करेगा ना, प्राइम मिनिस्टर को भी तो पीएच हाइड्रोलाइज कर देगा ना, अगर हम पीएच में एसिड या बेस करेंगे तो डज पीएच इफेक्ट करेगा प्राइम मिनिस्टर को भी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, 3-फिनाइल प्रोपीन में अगर हम HBr ऐड करें, देखो ये थोड़ा सा जो है ना वो दिमाग लगाने वाला बनेगा क्वेश्चन। 3-फिनाइल प्रोपीन है ये, नहीं 3-फिनाइल प्रोपीन का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनेगा ना, 3-फिनाइल प्रोपीन का स्ट्रक्चर तो ऐसे बनेगा, 3 पे नंबर पे फिनाइल फिर प्रोपीन, ये बनेगा बच्चों है ना। देखो 1 2 3, इस कार्बन के 1 2 ठीक है 4 यही आएगा, ठीक है ना। ये देखो 1 2 3, 3-फिनाइल प्रोपीन, इसमें मैंने HBr ऐड कर दिया बिना पेरोक्साइड के, ठीक है ना, तो इसमें तो बच्चों फिर यही चीज बनेगी ना। बट सर इसमें तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। बोले यस सर। ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो फिर तो सिंपल है बेटा है ना, तो 1 पे ही जो है वो मतलब लास्ट में ही बीआर लग जाएगा, और काउंटिंग जो है वो 1 से शुरू मतलब शुरू होनी चाहिए ब्रोमो से, तो ए ही बन रहा है बच्चों इसका आंसर इस हिसाब से, तो क्योंकि बीआर यहाँ लग जाएगा ना कि पेरोक्साइड था ना, सर अगर वैसे होता पेरोक्साइड नहीं बोलता तो तो फिर वही मार्कोनी को फ्रूल फ्री है, वही वाला जो तूने कल उस दिन दिखाया था ना, फिर यहाँ लगाते हैं बीआर फिर उस केस में यार। ओके सर, ओके। इंटरचेंज करके, वो भी बताऊंगा बच्चों आपको। क्वेश्चन नंबर 17th में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर C2H5Br। अब देखो बच्चों C2H5Br जो है ना ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ये वुड्स रिएक्शन होता है, जहां पर भी सोडियम होता है ना वुड्स वुड्स वो होता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में बच्चों क्या होता है कि कार्बन डबल होता है, यानी कि ये रिएक्शन नहीं होता। इट गिव्स नाइट्रो इथेन ऑन हीटिंग विद एक्वा सोल्यूशन ऑफ AgNO2। अगर देखो ये मेरे पास C2H5Br है, C2H5Br में अगर मैं ऐड कर देता हूँ AgNO2, तो Br की जगह पर NO2 आएगा ना, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। C2H5OH ऑन बॉइलिंग विद एल्कोहलिक KOH, ये गलत है। एल्कोहलिक KOH से जो है ना पोटैश मतलब KOH होता है, एल्कोहलिक से एल्कीन बनता है बेटा, और डाई मिथाइल थायो ईथर विद एल्कोहलिक KSH कोई मतलब नहीं बनता, उसको भी छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 18, कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कभी भी 4 से ऊपर नहीं होती। उसके बाद आता है बेटा सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर बिकॉज डिस सोल्यूशन। देखो कह रहे हैं कि
सोल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, मैंने बताया हुआ है हेनरी लॉ के अंदर ही कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और रिवर्सिबल होता है, तभी तो आगे पीछे हो जाता है ना। अच्छा, ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 शो एलोट्रॉपी, कितनी बारी कर रखा है, नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सब एलोट्रॉपी दिखाते हैं। पॉलीसेकराइड में बच्चों ग्लूकोज मोनोसेकराइड है, माल्टोज डाइसेकराइड है, लैक्टोज भी डाइसेकराइड है, तो ये है हमारा पॉली सेकराइड। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली हीलियम का होगा, क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है और नोबल गैस सबसे वीक फोर्सेस बनाते हैं। लो मोलिकुलर मासेस अल्कोहल्स आर मिसिबल इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, मिसिबल इन एक्सेस ऑफ वाटर, मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, तो ठीक है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ऑल प्रोपोर्शन लिखते हैं इसके अंदर। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का होता है +7, और इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ब्लड सेल विल श्रिंक, श्रिंक तब होंगे जब उसमें से पानी बाहर निकले, और पानी तब बाहर निकलेगा जब उसको तुम ज्यादा वाले में डालोगे, ठीक है ना, ज्यादा वाले में डालोगे, ज्यादा कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन में डाल दोगे तो पानी उसमें से बाहर निकल जाएगा। देखो लिखा है ना, मोर देन 0.9% NaCl में जब डालोगे तो उसमें से जो है ना वो पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि बाहर कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी ना। क्वेश्चन नंबर 26 में न्यूमेरिकल करना है, लेकिन न्यूमेरिकल हम 1 मिनट में कर लेंगे। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी वाला फॉर्मूला बच्चों हम लगाएंगे, और डेल्टा टी एफ 14 दे रखा है इसके अंदर, के एफ 1.86 है, और मोलैलिटी जो निकलेगी वही नंबर ऑफ मोल्स होंगे, क्योंकि जो इन्होंने दे रखा है ना 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो 1 ही लेना है, तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 14/1.86, जो कि नियरली मेरे को कैलकुलेशन पे ऊपर डिपेंड है, मेरे को या तो सी होगा या डी होगा। विच रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द वन स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू टॉलीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन से टॉलीन अगर आपको बनाना है ना बेटा, तो आपको ना वुड्स फिटिग रिएक्शन करना होगा। AlCl3 वाला काम मत करना, वुड्स फिटिग रिएक्शन में सोडियम लेते हैं। HCF6 को पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर करोगे तो उस केस में ये कभी नहीं बनेगा, ये कंप्लीट में बनता है, तो इसका आंसर जो है ना बच्चों को डी बनता है। कैसे, एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। देखो ये है HCF6, अगर मैं इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर लेता हूँ तो उस केस में बच्चों क्या होता है, इसमें ना हाइड्रोलिसिस में दो ही चीजें बनती हैं, एक बनता है HF और एक बनता है ऑक्सीजन फ्लोरीन कंपाउंड एज़ेनॉन के साथ, तो ये वाला ऑप्शन ही जो है वो सही जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज जो है ना वो लीवो रोटेटरी तो होता है, इट कैन रिड्यूस टॉलेंस, ऐसा कुछ नहीं, टॉलेंस को भी नहीं रिड्यूस कर सकता, फैलिंग को भी नहीं कर सकता, म्यूटा रोटेशन तो नहीं करता, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन हाइड्रोलिसिस, इट अंडरगोज इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन ऑन हाइड्रोलिसिस, ये बिल्कुल ठीक है बच्चों, क्योंकि ना ये इसका मतलब फिर ये टॉपिक वैसे तो डिलीटेड में दिखा रहा था, लेकिन मैं आपको फिर जो है ना ये समझाना पड़ेगा, मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों, ये वाली चीज अच्छी चीज है, ये वाली सुक्रोज की, मेरे को 1 मिनट दो, मैं जो है ना इसके लिए बायोमोलिक्यूल्स का NCERT खोल के आपको दिखाता हूँ कि ये टॉपिक कहाँ से आया, और इसका मतलब हमें ये टॉपिक को एक बार डिस्कशन करने की जरूरत है, ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ 1 मिनट, तो यहाँ पर मैं खोलता हूँ NCERT बायोमोलिक्यूल्स। देखो ये रहा, ये देखो ये रहा, इस पैराग्राफ को बच्चों जरा फोकस करना मेरे साथ, इस वाले पैराग्राफ को, ये देखो कहते हैं सुक्रोज डेक्सट्रोरोटेटरी होता है, लेकिन जब उसका हाइड्रोलिसिस होता है तो वो डेक्सट्रो ग्लूकोज बनाता है और लीवो फ्रक्टोज बनाता है, ठीक है, लेकिन जो फ्रक्टोज का लीवो रोटेशन है वो -92.4 है, और जो ग्लूकोज का डेक्सट्रो है वो +52.5 है, इसलिए यहाँ पर इन्वर्जन हो गया। मैं आपको यहाँ पर लिख के भी समझा देता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या, कहानी क्या है, मैं पूरी समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों कि सुक्रोज में अगर हम वाटर ऐड करते हैं बेटा, सुक्रोज में अगर हम वाटर ऐड करते हैं
तो सुक्रोस डेक्स्ट्रो है, वाटर ऐड करने पर सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है बेटा। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ग्लूकोज जो है ना वो डेक्स्ट्रो है और फ्रक्टोज लीवो है, लेकिन इसका लीवो रोटेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि नेट में ये माइनस है, तो प्लस से माइनस हो गया जैसा SN2 में होता है, इसलिए इसको ना इन्वर्ट शुगर कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखना बच्चों, सुक्रोज के बारे में ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, सैंपल पेपर में दी हुई है, तो एक बार इसको हमने देखा, ये मतलब समझा दिए, ये इंपॉर्टेंट चीज थी काफी। फिनॉल जो है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं करता, ऑब्वियसली बच्चों एसिडिक नेचर का फिनॉल, उससे कोई मतलब नहीं होता। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CH बॉन्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन इन एंथैल्पी, ऑब्वियसली नीचे जाके डिक्रीज होती है, तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे, तो CCP है यानी कि फेस सेंटर है, तो मेटल जो है वो CCP बना रहा है, जिसमें आधे आधे ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो ऑक्साइड्स ने घेर रखे हैं, तो फॉर्मूला बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं बेटा, जो CCP बना रहा होता है उसको मान लेते हैं जैसे अगर एक्स, तो जो ऑक्साइड आयन्स हैं वो होंगे एक्स का आधा अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को लें, और उतने ही होंगे अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स को लें, यानी कि इसका आंसर बनता है बच्चों, इसका आंसर बनता है एम जो है वो एक्स है, और जो O2 माइनस है ना वो 3/2 है, 1+ वो, तो आंसर आता है M2O3 यानी कि डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर ये वाला मैंने क्वेश्चन कई बार देखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33, इसमें कहते हैं कि अगर आप जो है वो रिएक्शन ऑफ टॉलीन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स एक्स, वाइल दैट ऑफ टॉलीन विद द Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स वाई। देखो बच्चों, जहां पर FeCl3 आ जाता है ना, तो वहां पर ऑर्थो पैरा वाली चीज आएगी, यानी कि एक्स ऑर्थो पैरा वाला है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो में ही ये है, ठीक है ना, और किसी में ये है नहीं, तो सीधा सी ऑप्शन ले रहा हूँ, वाई को मैं देख ही नहीं रहा, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों कहते हैं ओजोन इज एन डैश मॉलिक्यूल विद टू 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 ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर डैश एंड डैश। देखो जी, सीधी सी बात यह है कि इसमें ना ओजोन होता है बेटा ऐसा, ओजोन होता है ऐसा, ठीक है, और ओजोन में ना बॉन्ड लेंथ होती है बच्चों सेम, तो इसका मतलब इन दो, यानी ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ठीक है ना, तो इसका आंसर, और लीनियर भी नहीं होता, तो ऑप्शन पूछना है बेटे डी। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं वाटर रिटेंशन ड्यू टू हाई सॉल्ट इनटेक इज ड्यू टू ऑब्वियसली ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर जो है 36 में बच्चों क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में नाइट्रिक एसिड करके बनता है सैकरिक एसिड, देखो ऐसे देखो, ये ग्लूकोज है CHO, CHOH का होल 4, CH2OH, ये ग्लूकोज है, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो उस केस में बच्चों आपको मिलेगा ये CHOH, और नीचे भी आ जाएगा बच्चों CHOH, ठीक है, इसको बोलते हैं सैक्रिक एसिड, यानी कि ए ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, ठीक है ना, मतलब ए ए ए जो है वो, हाँ ए जो है वो, सॉरी बी होना चाहिए, ये बी है, ये बी है, और ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, फिर ये ऑप्शन से मैच कर रहा है इससे, ठीक है ना, ऑप्शन डी है इसका आंसर, क्योंकि इसी में ही तो बी सिर्फ हुआ है ना, इससे ऐसे ही पता लग जाता है। लेक टेस्ट कराना है एल्यूमिनियम का, तो फ्लोटिंग लेक के ऊपर, तो एड्सॉर्प्शन होगा इसके अंदर, इट इज ड्यू टू एड्सॉर्प्शन ऑफ लिटमस बाय AlOH होल 3 और AlOH होल 4 माइनस, यही बनता है इसके अंदर डी, एड्सॉर्प्शन ऑफ लिटमस बाय AlOH होल 4 3, जब लिटमस टेस्ट करते हैं बच्चों, तो डी ऑप्शन हो गया इसका। और उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, डेंसिटी का फॉर्म लग जाएगा आराम से हो जाएगा। 39 के अंदर बोला है करेक्टली अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, ठीक है, तो करेक्टली अरेंज बॉन्ड एंथैल्पी वाला ये ऑर्डर, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ वाला ये ऑर्डर, ये गलत है, और इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, और ये इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल वाला, बॉन्ड एंगल वाला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एंगल जो है ना, हाइयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइयर द बॉन्ड एंगल होता है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ना, यहाँ पर गलती आ रही है, ब्रोमीन को इधर आना चाहिए था। इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्चुअली यहाँ तो -3 है, यहाँ है तो सही +5, करेक्टली अरेंज्ड,
बढ़ तो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर फिर सर कुछ पहले वाले में क्या मिस्टेक है? पहले वाले में ना F2 इधर होना चाहिए, Br2 इधर होना चाहिए, और इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में ये इधर ये वाला चीज गलत आ रही है। इसके मैं सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेता हूँ एक बारी। जैसे अमोनिया में तो चलो F2 का बिल्कुल सबसे ज्यादा होता है ना वैसे, नहीं F2 का सबसे ज्यादा नहीं होता है ना H2S सर। का ही सबसे ज्यादा होता है, लेकिन H2S ज्यादा एसिडिक है H2O से। मतलब यहाँ पे कोई एसिडिक स्ट्रेंथ में कोई एक्सेप्शन बिहेवियर नहीं होता। N2O में N का आएगा +1, और NH2OH के अंदर N का कितना आएगा, X+2, फिर -2, फिर +1, यानी कि -1। हाँ ठीक है, तो ये गलत है। और उसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट वुड बी द रिएक्टेंट एंड रिएजेंट इज यूज्ड टू ऑब्टेन 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन थ्रियोल। ये है ग्रिगनार्ड रिएजेंट की कहानी, ठीक है ना। अब इसमें तो बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर इसका, ठीक है ना। पहला बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें ब्रांचिंग आ रही है, पहले वाले में ब्रांचिंग नहीं दे रखी है। और आइसो को थोड़ा बहुत जो है ना इसमें डी लग रहा है, बना के देखना पड़ेगा। 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन थ्री ऑल ये है। ये है बच्चों, ये बनाना है हमें, ठीक है। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है एक बात, तो कीटोन तो कहीं पर नहीं दे रखा ना, कीटोन वाला केस काट दो, एक सेकेंडरी अल्कोहल है ना ये। अब इतना हिस्सा जो है ना, इतना हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा, ये आ जाएगा हमारे, हाँ ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा आ जाएगा एल्डिहाइड से, और ये वाला हिस्सा जो है ना वो आ जाएगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। तो आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विद डी, है ना, क्योंकि आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ये हो गया। उसके बाद बच्चों कह रहे हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल जब ट्रीट करेगा PCl3 से तो क्या बनेगा बेटा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल क्लोराइड जब PCl3 से करेगा तो ऑब्वियसली जो हाइड्रोक्सी जो ऑर्थो पोजिशन पे ना उसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि याद रखना कि जो डायरेक्टली अटैच होता है ना उसे कुछ नहीं होता। देखो ये आ गया CH2OH और ये आ गया OH, ठीक है। इसमें बच्चों हमने ऐड कर दिया PCl3, तो ये वाला OH जो है ना वो ऐसे ही रहेगा, इस वाले OH की जगह Cl आ जाएगा। सर ऑर्थो पे लगाया था ना इसने हाइड्रोक्सी जोन। सॉरी सॉरी, चलो ठीक है बच्चों, अभी एंड करते हैं क्लास है।